Assalamualaikum and welcome to yet another episode of Bright Side with me, Adil Hashmi. आज का एपिसोड जो है उसमें I'm going to use the word intellectual. I use this word very sparingly and very cautiously because he's an intellectual. What is an intellectual? So I'm basically an observer of society. And a writer and a critic and a historian and a commentator. Hundreds of other things in history and religion and so many things. क्यों छुपाते हैं हम अपने नौजवानों से? हम आजादी दे देंगे, पता नहीं कैसे कैसे सवालात उठेंगे, हम नहीं दे सकते उसका जवाब, बिकॉज उस जवाब में हम समझते हैं अगर हम वो जवाब देना शुरू कर दें तो मुल्क टूट जाएगा. नहीं, कोई एक नौजवान उसके जहन में फतूर आ जाए और उसने चार सवालों के जवाब उसको चाहिए, तो उसने किसी से पूछ लिया कोई एक सवाल, तो उसको तो टांग देंगे वो. उसके वालिदैन से लेके भाई बहन से लेके तालीमी इदारों तक उसको विक्टिमाइज करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको मारे पीटेंगे. बिल्कुल. तो कैसे नौजवान सवाल पूछे? ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड दोस एवेन्यूज. स्टेट इज फॉर द पीपल, पीपल मेक द स्टेट. आज बहुत लुत्फ आने लगा है. वी हैव विद अस टुडे नन अदर देन नदीम फारूक पराचा. बहुत सारे हम इल्जामात या अलकाबात के लेबल्स लगा देते हैं लोगों को बहुत जल्दी कि लिविंग लेजेंड है जी, ये फलाना है जी, ये किंग ऑफ पॉप है, ये मुल्ला है, ये मौलाना है. आपको भी लेबल लगा दिया मेरे से. अच्छा, वो है इंटेलेक्चुअल का. जी जी. व्हाट इज एन इंटेलेक्चुअल? जहाँ तक मेरी समझ इंटेलेक्चुअल आई थिंक उसको समझा जाता है जो अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करे और चीज़ें ऑब्जर्व करे इन अ डिटैच्ड मैनर और जितना रैशनली लाइफ लिव कर सके और अपने जज्बात को थोड़ा कंट्रोल में रखे इन मेकिंग अ स्टेटमेंट और व्हाटएवर. तो इस तरह तो फिर वेस्ट के बेशुमार लोग जो हैं आम लोग वो इंटेलेक्चुअल्स हैं बिकॉज़ दे आर रिलेटिवली यू नो दे आर रैशनल पीपल. नो, देखें ये एक मेरे ख्याल में हमारी तरह मिथ है. शायद दे आर लेस इमोशनल इन सर्टेन सिचुएशंस देन अस. लेकिन हमने देखा वेस्ट में इन द लास्ट 10 years उनकी अगर सियासत देखें लाइक एक्सट्रीमली इमोशनल सियासत जिसको हम पॉपुलिज्म कहते हैं एंड पॉपुलिज्म इज ऑल अबाउट इमोशनलिज्म. वहाँ तो बड़े फट के निकली है बात. सो मे बी वहाँ था और वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उस वो दैट क्लास वॉज आई थिंक इन ऑल द राइट प्लेसेस यूनिवर्सिटीज में गवर्नमेंट में. तो हमें लगता था यार पूरी शायद सोसाइटी ऐसी है. लेकिन आई थिंक वहाँ ये हुआ है कि नीचे वाले जो थे दे रिबेल्ड एंड दे से नहीं वी आर नॉट लाइक यू, वी आर डिफरेंट. हम जज्बाती हैं, हम पॉपुलिस्ट हैं, हम मुंहफट हैं. तो आई थिंक ये है. तो वो मिथ भी ब्रेक हो गई है कि वेस्ट इमोशनल नहीं है. है. What's your core? Who are you truly? Who is Nadeem Farooq Paracha? I think it's someone who likes to just sit in one corner and just observe people. और आई बी लकी दैट ओवर द ईयर्स वो जो ऑब्जर्वेशन जब शेयर करता हूँ थ्रू चाहे आर्टिकल्स हों, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो इनसाइट्स निकालता हूँ, उस वो एक किस्म का प्रोफेशन भी बन गया. सो आई एम बेसिकली एन ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी एंड एन कॉन्स्टेंट स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी. और जो थोड़ा बहुत सीखता हूँ वो मैं शेयर कर लेता हूँ. तो बेसिकली आई वुड कॉल माई सेल्फ silent dispassionate observer. Surely you mean silent dispassionate slash passionate observer, because we just discussed there's no such thing as dispassion. That's what I said na, ke when you read and write how you trained at school. I'm not saying my schooling or my education made me dispassionate, but by reading a lot of people which I admire, chahe wo philosopher ho, chahe political scientist ho, chahe historians ho, they all emphasize that यार आप जो भी कमेंट दे रहे हैं पहले उसको आप डिस्पैशनेटली अपना एक टेक अ स्टेप बैक, बिल्कुल जी, ऑब्जर्व, अब्सॉर्ब इट एंड देन मेक अप योर माइंड. तो अटेम्प्ट तो यही होता है, बट ऑफ कोर्स समटाइम्स वन कैन नेवर बी एंटायरली ऑब्जेक्टिव. ठीक है, वो रोबोटिक हो नहीं सकता. सो बेसिकली आई एम एन ऑब्जर्वर.
कितने दफा ऐसे हुआ कि कोई टॉपिक के ऊपर या कोई पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपने लिखना था या एक एक ओपिनियन थी, और जब अपने आप को ट्रेन किया कि अच्छा ये काम करो, जरा दो कदम पीछे लो, जरा पैशन को यहाँ रखो, जरा देखो दो चार जगहों से, दो चार जागियों से, अब आओ और पता लगा अरे भाई जी तो बहुत चाह रहा था कि ऐसे हो पर ऐसे है नहीं, एंड देन यू फील बैड और यू ग्रो, यू फील प्राउड कि हाँ भी मैं, कितनी दफा अपनी ओपिनियन चेंज करनी पड़ी किस चीज के बारे में जब जरा सा डेल्व इन जरा ज्यादा किया उसके ऊपर? नहीं नहीं बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा, बहुत दफ़ा हुआ। समटाइम्स आई मैं इसको चेंज के बजाय यूजली आई से कि ओपिनियन इवॉल्व कर गई एंड आई एम नेवर स्केयर्ड ऑफ सेइंग इट आई वाज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज बंदा सीखता ही रहता है एंड चेंजेस आते रहते हैं। आई फील गुड कि अगर मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के बारे में, अगर वो और इवॉल्व कर गई है एंड इट माइट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग माई प्रीवियस, I'm okay with that as long as I keep on learning. And I think that's the way to do it. Absolute तो कुछ चीज होती नहीं है। अब मैं कौन सी चीज हूँ कि जो मैंने कह दिया full stop लग गया खत्म? That's dogma. And I'm scared of dogma. ठीक है ना? Because वो आपका mind बिल्कुल fossilized हो जाता है, बंद हो जाता है, and that's worse than death, I would say. अच्छा आपने अभी कहा कि there are people or heroes or mentors or teachers or name a few at you know. Well, there are lot of both young and people who are older than me. Some I've befriended, some I've never met, you know. And like for example, history is one of my favorite topics. Starting with K.K. Aziz, Dr. Mubarak Ali से एक जब बंदा young होता है ना वहाँ से start करता है। जब आपके यहाँ के खुलने शुरू हो जाती है कि what you being told और टॉट स्कूल टेक्स्ट बुक्स, यार ये तो बकवास है, वो तो नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, तो हर पाकिस्तानी बंदा जो उसके थ्रू जा रहा होता है पहले वो मुबारक अली एंड के अजीज से शुरू करता है, देन वहाँ से आयशा जलाल के थ्रू जाते 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 देन यू स्टार्ट, आपकी पूरी दुनिया खोल देते हैं बिकॉज देन यू सी कि व्हाट सोर्सेज दे वर यूजिंग, एक दुनिया खुल जाती है आपकी, ठीक है ना। फिर कहते हैं यार इस पे तो बहुत कुछ लिखा गया है, हम तो बिल्कुल ही अजीब सी ब्लाइंड फोल्डेड होके बैठे हुए थे thinking के जो हमें हमारी textbook बता रही है that is the absolute history. And I want to take your comment on something. मुझे yeah. बड़ी interesting बात है ये textbook की. मैंने matric किया 1984 में, 86 में, नहीं late 88, that's irrelevant. हमारी जो किताब थी social studies की, उसमें ये जुमला मुझे याद है and I remember thinking कि कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाने के बाद एक सवा साल के बाद उनका इंतकाल हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत अंथक मेहनत की और सेहत का ख्याल नहीं किया तो एक साल के बाद उनका इंतकाल हो गया और पाकिस्तान को उससे बहुत बड़ा धक्का लगा। और मैंने ये सोचा कि क्या जरूरत थी इतना काम करने की, अगर थोड़ा आराम कर लेते तो कुछ साल जिंदा रह लेते और पाकिस्तान को धक्का ना लगता। इट वॉज years लेटर दैट आई रेड फ्रीडम एट मिडनाइट फॉर इंस्टेंस कि जी उनको तो टीवी थी तो ये बात छुपाने की क्या जरूरत थी। ठीक है हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं जो छुपाने होते हैं अंडर द कार्पेट, लेकिन ये इस तरह की बातें ना बताने का क्या फायदा है? प्लस हंड्रेड्स ऑफ अदर थिंग्स इन हिस्ट्री एंड रिलीजन एंड सो मेनी थिंग्स, क्यों छुपाते हैं हम अपने नौजवान नस्ल से? आज भी मैं एक सेशन था उसमें मैं यही कह रहा था कि एक डर है हमारे अंदर। हम आजादी की बात तो करते हैं, इंडिपेंडेंस आता है जी, हमने 1947 में फॉर एग्जाम्पल हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म से आजादी मिली, सपोजिटली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से और उनसे आजादी मिली, मेरा अच्छा अब आजादी का मतलब क्या है पाकिस्तान? लेकिन अगर आप देखें 1971 के बाद हम पूरी कोशिश करते हैं, स्पेशली ऊपर से हमारे जो स्टेट होता है, जो हमारी इंटेलिजेंसिया होती है, कि हम को आजादी से आजादी मिल जाए। वाओ दैट्स वेरी, वी वांट फ्रीडम फॉर फ्रीडम बिकॉज हमें डर लगता है आजादी से कि हम आजादी दे देंगे पता कैसे कैसे सवालात उठेंगे, हम नहीं दे सकते उसका जवाब बिकॉज उस जवाब में हम समझते हैं अगर हम वो जवाब देना शुरू कर दें तो मुल्क टूट जाएगा। नहीं, जब आप जब तक जवाब नहीं देंगे वो चीज नहीं ब्रू होते 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 किसी और फॉर्म में निकल आती है, जो निकलती है जो निकल रही है डिफरेंट जगहों से। देख लेना आपने फॉर एग्जाम्पल मेरी ऐसी किताब में भी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि 71 के बाद मैं वाशिंगटन डीसी में था एज अ रिसर्च स्कॉलर एंड आई हैड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ अमेजिंग लिटरेचर इन उर्दू एंड इन इंग्लिश इन पाकिस्तान में, जो यहाँ नहीं मिलता वहाँ मिलता है। तो आई वेंट थ्रू न्यूज़पेपर्स बिटवीन 1971 एंड 1992 एंड मैगजीन्स एंड क्या कहते हैं एडिटोरियल्स वगैरह, ठीक है, बहुत दूर दूर।
और मैंने 27 उर्दू फिल्में देखी मेड बिटवीन 1972 एंड 1992, उनमें से एक में भी ईस्ट पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इट वॉज दैट मेमोरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वॉज सिस्टमैटिकली इरेज। जर्मनी में यही हुआ ना, जब नाट्सिनिज्म फॉल हुआ उस टाइम पे उन्होंने कहा उसको कह रहा आर जीरो, देन दे स्टार्टेड टू सिस्टमैटिकली इरेज द मेमोरी ऑफ दैट देयर वॉज एवर अ नाट्सी जर्मनी। लेकिन क्या हुआ, 20 साल बाद वहाँ की यूथ खड़ी स्पेशली 60s में, उन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए कि यार तुम मेरे प्रोफेसर हो, तुम टीचर हो, इवन पेरेंट्स, यू आर नाट्सी सिंपथाइजर्स, यू नो, एंड उससे प्रॉब्लम्स होते हैं। हमने सोचा कि हम ईस्ट पाकिस्तान की मेमोरी को दबा देंगे, आपने दबा तो दी, लेकिन वो कभी कराची में एथनिक राइट्स के फॉर्म पे निकल आती है, कभी सेक्टेरियन राइट्स के फॉर्म पे निकल आती है। तो वी हैव टू एड्रेस, वी हैव टू स्टॉप बीइंग स्केयर्ड ऑफ फ्रीडम। आज़ादी की जब आप बात करते हैं, हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आप सही मायनों में आज़ाद हो। दैट मीन्स लेट स्पेशली यंग माइंड्स वंडर अराउंड एंड थिंक एंड आस्क राइट क्वेश्चंस। अच्छा, अब ये आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, हम बैठे हुए सोफे पे, लाइटें अच्छी हैं और हमारे पेट में रोटी है और बाहर गाड़ी है और एसी चल रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। कोई एक नौजवान खानेवाल, चकवाल, भलवाल, पुरम एजेंसी, पेशावर, खुजदार में को बैठा हुआ नौजवान 20-22-25 साल का, उसके जहन में मैं तंजन कह रहा हूँ फतूर आ जाए और उसने चार सवालों के जवाब उसको चाहिए, तो उसने किसी से पूछ लिया कोई एक सवाल, पूछ लिया सवाल दोस्तों से पूछ लिया, तो उसको तो टांग देंगे वो। देखिए यही तो मसला है, अब क्या करें फिर। नौजवानों को कहना तो आसान है, कह रहे भाई सवाल करो या तलाश करो, तो ठीक है, लेकिन तलाश कैसे करें? उसके वालिदैन से लेके, भाई बहन से लेके, फूफी चचा से लेके, खानदान वालों से लेके, तालीमी इदारों तक उसको ऐसे देखेंगे, उसको शन कर देंगे, उसको विक्टिमाइज करेंगे, उसको ब्लैकमेल करेंगे, उसको मारे पीटेंगे सवाल पूछने पर। सवाल बिल्कुल, तो कैसे नौजवान सवाल पूछें? देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की। स्टेट क्या है? स्टेट फॉर द पीपल ना, स्टेट अपने लिए तो नहीं है। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है, गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स अपने लिए हो जाती हैं, अपने लोग। बट स्टेट इज फॉर द पीपल, पीपल मेक द स्टेट। ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड दोज एवेन्यूज, उसको दबा के नहीं रखे हैं, ठीक है। तो देखिए जिस तबके की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट होता है उससे। ये जो आपके सेक्टेरियन और रिलीजियस राइट्स होते हैं ये लोग तो उसमें मारे जाते हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, आप you are also part of certain literature festivals, fair festivals karte hain, and you see all sorts of people coming and they're not coming from a particular class, theek hai na, interior punjab se bhi aa rahe hote hain, hamare karachi mein interior sin se bhi aa rahe hote hain, and these are kids coming from lower middle class families, jo feudal setup se nikle hain, chungal se nikal ke they are now trying to have more middle class aspirations, they're getting better education, but the question they're asking is amazing because वो आंसर्स विल हेल्प हिम सर्वाइव, जिसको वो जहालत समझ रहा है, जिससे वो तंग है, जिससे उसकी लाइफ को पेनफुल इम्पैक्ट हो रहा है, दोज आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्सन। तो दैट इज आर ड्यूटी, चाहे आप इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे आप टीचर हों, एजुकेशन हो, स्पेशली मैं कहूँगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू प्रोवाइड दिस प्लेटफॉर्म। वाई हम क्यों हम कह देते हैं कि सिर्फ जी प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो फेस्टिवल्स करवाएंगी? एक जमाने में नहीं था, अगर आप 70s तक देखें, इट वाज द स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग फोक मेला। बिल्कुल सही, हम जानते नहीं उसमें। एग्जैक्टली, समिति नुमाइश, लेजर लाइट शो, सर्कस, इस तरह का, ये सब रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट की। एब्सोल्युटली, टू डेवलप द पीपल, विदाउट द पीपल स्टेट इज नथिंग, इट बिकम्स अ टिरनी। देन the state that has failed or the people that have failed the state, who's failed who? dekhiye ji, state is failed because sahi tarah to humne unfortunately shuru se state ko define hi nahi ki hum kis kind ke state hain. ye keh dena hum islamic republic hain, that doesn't mean anything because dekha hamari history rahi hai 19th sadi se, agar aap padhte rahe ke even islam ke andar bhi itne divisions hamare yahan, is division se darna nahi chahiye. for years islam jo sindh mein, सिंधी जिस तरह प्रैक्टिस करता है वो पंजाब में चेंज हो जाता है, विद इन पंजाब आप चले जाएं साउथ नॉर्थ में चेंज हो जाता है, सेंटर में चेंज हो जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में बिटवीन चेंजेस हैं, बट दैट हैज दैट इज अ रियलिटी। हम डर जाते हैं कि यार ये भाई ये दिस इज अ रियलिटी, वो नहीं चेंज करेंगे, हम उसको समेटने की कोशिश करते हैं, एक ही है जैसे कि पाकिस्तान एक मोनोलिथ है, एक कंट्री है कि जहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ इस्लाम
फॉलो करते हैं या सब उर्दू बोलते हैं, यू नो, हर चीज एक है, नहीं है ना, द थिंग इज. तो बेसिकली स्टेट ने एक बनाने के चक्रों में एक भी कुछ नहीं बनाया, अब वट एवर दैट मीन्स, ठीक है. तो स्टेट हैज बीन, मुझे आज कोई कह रहा था कि जी आज वुड यू कॉल इट पाकिस्तान अ फेलिंग स्टेट, आई सेड नो, पाकिस्तान इज नॉट अ फेलिंग स्टेट. अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट होता हम यहाँ बैठ के फेस्टिवल पे बात नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली पाकिस्तान इज अ कंफ्यूज स्टेट, और वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को वो रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, समझ नहीं आती. बिकॉज देखिए रेजोल्यूशन आता है ड्यू डायलॉग, डायलॉग हमारे यहाँ हो नहीं रहे, सबने अपनी डेढ़ इंच की मस्जिदें बनाई हुई हैं और अपना कॉर्नर बचा के रखा हुआ है. तो जब एक्सचेंज ही नहीं होगा तो टॉलरेंस नहीं होगी, जब टॉलरेंस नहीं होगी तो स्टेट नहीं रिजॉल्व कर सकेगी. स्टेट हैज टू प्रोवाइड दोज एवेन्यूज कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल खड़े होके, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, चाहे जिस तरह हमने चले खानेवाल के लड़के की बात या लड़की की बात कर दी, दे उनको प्लेटफॉर्म ना, स्टेट शुड गिव देम a voice. आपने क्यों ये जरूरी समझा कि अपनी छह की छह किताबें अंग्रेजी में ही लिखी जाएं? तो वो तो पढ़ने वाले और कम हो जाएंगे, या उसका जो रुख था वो मगरिब की तरफ था, या मगरिब ज्यादा लोगों की तरफ था इसलिए अंग्रेजी में लिखी किताब? नहीं नहीं, बिल्कुल, बुक्स आर नॉट रिटन फॉर मगरिब, बुक्स आर बेसिकली रिटन फॉर जो मेरी यंगर ऑडियंस है, जो यंगर रीडरशिप है, ठीक है ना, वो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं और वो सीख रही है. दूसरी बात यह है कि जो उर्दू जबान है, जब आप नॉन फिक्शन किताब लिखना चाहें उर्दू जबान पे और सर्टन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड आइडियाज जब आप डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे पास वो कमांड नहीं है उर्दू का. आपको जैसे उर्दू के आप अखबार के सियासी कॉलम पढ़ लें, उसमें आधे ज्यादा अंग्रेजी के लफ्ज लिखे होते हैं. मुझे कुछ मिसाल दें, लाइक व्हाट? अब देखिए ना, आप देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ए कांसेप्ट है कि creating the other to justify one's own existence. अब मैं उसको, मेरे ऐसा बंदा समझ तो गया, उर्दू में भी समझ गया, ठीक है ना, instinctive level, मैं उसको समझाऊं कैसे, ठीक है? I'm not saying it's impossible, but मेरे पास वो कमांड नहीं है. आखिरी जो किताब आपकी, आखिरी जो अभी आई है, ये आखिरी किताब नहीं, और भी आप लिखेंगे hopefully. hopefully. The Reluctant Republic. जी. उसकी शायद प्रेमिस ये भी है उसमें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि खालिद अहमद साहब ने वो किया था एक प्रोग्राम बहुत साल पहले, जिसमें बहुत से लोगों से पूछा कि आप पहले पाकिस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं. बिल्कुल. तो तकरीबन 70% ने कहा कि हम पहले मुसलमान हैं. जी बिल्कुल. जबकि किसी और अरब स्टेट में या मुस्लिम स्टेट में आप जाएं तो वहां पे पहले वो तुर्की तुर्क हैं या मिस्री हैं या सऊदी, पहले सऊदी, बाद में है जो है. So what is your analysis on this? What's wrong with us? और जो 30% कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान नहीं है, वो या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, वो पहले अपने आप को ओन करते हैं पाकिस्तान. हमने पहले, हम चूंकि किला है इस्लाम का, असल में तो हमें वो बन गए थे, डिसाइड किया चलो किला बन, और यूट्यूब से हमें खतरा है, हमें यूट्यूब पे कुछ आ जाए तो हम इसको बंद कर देते हैं. बिल्कुल. So what's going on here? What do you think is going on? वही वाली बात है कि ऑन द सर्फेस पाकिस्तान में कोई बोले आई एम अ मुस्लिम फर्स्ट तो बड़ा नेचुरल चीज़ है ना. बट देखें, आप एक नेशन स्टेट में हैं, जो आपने कार्व आउट किया थ्रू पार्टीशन पाकिस्तान में, अगर आप मुस्लिम फर्स्ट है तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं, तो फिर आप पाकिस्तान नाम बनाते क्यों बनाए पाकिस्तान? आप एक अजीब सी है ना. और शुरू के पैसे 20 साल तक आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में देयर वर एज मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया एज देयर वर इन पाकिस्तान, तो ये तो रही ना डायकॉट. और सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस तो नॉन मुस्लिम्स के पास भी थी, कैबिनेट में और अदालत में और यहाँ. तो सवाल यही है कि मेरे के अंदर हमेशा, जैसे कि आपने खालिद अहमद वाली बात की, तो उससे आइडिया मुझे आया कि यार मुझे लगता है कि यहाँ एक रिलक्टेंस है टू कॉल योरसेल्फ अ पाकिस्तानी, हमेशा सेकेंडरी आता है कि आप कौन है मुसलमान फिर पाकिस्तानी, ठीक है. जबकि आप जैसे आप सही कहा तुमने, मैंने भी देखा पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, पहले वो अपने आप को इजिप्शियन कहते हैं, फिर कोई अपने आप को ट्यूनिशियन कहते हैं. वी स्टिल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ नेशन स्टेट्स. नेशन स्टेट्स इनहेरेंटली इज अ सेक्युलर आइडिया, ठीक है ना. इसका मतलब नहीं है कि अगर आप अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं तो आप सेक्युलर हो गए हैं, नहीं. इसका ये भी मतलब नहीं है अगर आप पाकिस्तानी कह रहे हैं आप कम मुसलमान हो गए हैं. लेकिन तो कहीं ना कहीं तो मसला है कि देर इज नो कंसेंसस, फॉर एग्जाम्पल, कि पाकिस्तानी है कौन. मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी शुड बी अबाउट a multi-ethnic, multi-religious, multi-cultural society,
विच इज लिंक टू एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी. वो सब उस इकोनॉमी को सर्व कर रहे हैं और इकोनॉमी उसको सर्व कर रही है. बाकी अपनी जिंदगी रह रहे हैं जिस तरह वो वर्शिप करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्ला, नहीं करना चाहते वो भी उनको कर रहे हैं. एज लॉन्ग एज दे बेनिफिटिंग द स्टेट, बेनिफिटिंग द रिपब्लिक एंड द नेशन. That's very interesting. It reminds me of, मैं बड़ा फैन हूँ साइमन सिनेक का. उसने इंटरेस्टिंग बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें. उस कहते हैं मैं किसी पूछता हूँ, so who are you? And then people tell me that I'm a banker or whatever. They tell me what they do, not who they are. So I ask them, what if you were not a banker tomorrow? You'd still be a person. Who would be that person? What would be your definition on a personal level of when someone says, Mr. Nadeem Varuparacha, you're a Pakistani, I'm from Mars, I don't know what that is. What is a Pakistani? एक चीज होती है नेशनलिज्म, एक चीज होती है सिविक नेशनलिज्म. सिविक नेशनलिज्म इज ऑल अबाउट दिस. इफ यू आर पार्ट ऑफ अ नेशन स्टेट, it shouldn't, your citizenship or your being part of that state shouldn't be defined of what your religion is, shouldn't be defined by what your ethnicity is or what your language is. It should be defined on what positive economic role you are going to play as a citizen for the state and for the economy and vice versa. Ek dusre ko aap serve kar rahe hain na state, like I said, without people is nothing. ठीक है. आई थिंक पाकिस्तानी हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. लेट्स फॉरगेट कि जी जिना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे और फिर मौलवियों ने किस तरह बना दिया. यार वो पुरानी होगी बात, वो अब सर्कस में जा रही है. ठीक है ना, सर्कस में जा रही है. सिंपली यार एक्सेप्ट कर लें आपके अंदर डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, सेक्टेरियन डाइवर्सिटी है. एक्सेप्ट कर लें और मेक श्योर कि ये डाइवर्सिटी जो है पोलिटिसाइज ना हो, सेलिब्रेट हो, सेलिब्रेट, पॉलिटिसाइज ना हो. पॉलिटिसाइज होगा तो फिर जो स्टेट होता है ना वो फिर चर्च बन जाता है. जैसे कहते हैं इस्लाम में देयर इज नो चर्च बिटवीन मैन एंड गॉड, क्रिश्चियनिटी में है. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 80s की बात ये हो कि स्टेट्स टर्न इनटू अ चर्च, कि मैं डिफाइन करूंगा कि इस्लाम क्या है. इससे पहले वो डिफाइन करे कि पाकिस्तानी क्या है, वो पहले इस्लाम को डिफाइन करना शुरू कर दिया. दैट्स व्हाई आफ्टर दैट we have young people calling themselves Muslims first, and then hum kehte hain ki yaar hum ek qaum nahi ban sakte. Yaar ek banne ke liye sirf aapko homogeneous nahi hona chahiye, ye dil jo hai exactly meri tarah hona chahiye. Bilkul theek hai na, usme to fir wo to nahi hoga, kuch na progress hogi usme, fir dogma aa jata hai. And it's impossible. China mein Mao ne karne ki koshish ki thi na, ek ek kapde bana diye the, har cheez ek hai. To wo dekha na, wo bilkul he almost destroyed the country, he actually himself created, he only destroyed his own revolution almost. Very, this is very interesting. Is pe koi kaam hua is cheez ke upar, conscious effort iske upar koi intellectuals ya government ya state ya boots kar rahe hain, keh rahe bhai chalo 20 saal ke baad 25 saal ke baad kam se kam parcham ke niche so to speak ikatthe to ho sake. Theek hai tum pashtun ho, punjabi ho, apne apne hamare masail hain, hamesha hote hain, ghar mein bhi hote hain, but in national interest, you know, when someone says Pakistani, then we say, हाँ यार वो तो हम कोई कर रहे हैं इसके ऊपर काम consciously. यार वो सोचते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो in the end वही mistakes करना शुरू कर देते हैं वे बार बार हम कर रहे हैं. देखिए ना, for example, सिर्फ झंडे दिखाना और passion दिखाना for a country, that's not enough. Education system very important. क्या what you're teaching in government schools, ठीक है. हम कहते हैं नए नए करिकुलम्स ले आते हैं, लेकिन वी कीप गोइंग बैक टू बिजनेस. हमारा वो नैरो हो जा रहा है, वी गोइंग इन सर्कल्स, बट द सर्कल्स इज गेटिंग नैरोअर नैरोअर नैरोअर. ये हो रहा है. तो ये एजुकेशन के बगैर तो हो नहीं सकता, ठीक है ना. तो आप ज़रा ओपननेस दिखाएं. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही रेडिकल चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दें पब्लिक स्कूल्स में, ठीक है, वो दुनिया में नहीं होता. बट एटलीस्ट कुछ तो ऐसा पढ़ाएं कि ताकि कुछ एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो. देखिए, चाहे आप खाने वाले के हों, चाहे आप कराची के हों, स्कूल जा रहे हैं ना, प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, पीले स्कूल जा रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी हर इंसान के अंदर होती है. सवाल वो पूछेंगे. अब हम, मैं पब्लिक एक्चुअली स्टेट ओन कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ कराची में. आप सवाल पूछते थे, दो सेकंड के अंदर ना आपको क्लास से बाहर कर दिया जाता था. आज भी ऐसे के वो टीचर समझता था यू एक्चुअली मॉकिंग हिम और चैलेंजिंग हिम, ठीक है ना. बिकॉज आपका तो था कि नहीं, चुप उस्ताद बोल रहा, चुप करो सुनो. मतलब ज्यादातर तो ऐसा आपको कभी कभी फीलिंग होने लग जाता था, ठीक है, एक सेंस ऑफ एरोगेंस होती है बंदा जब यंग होता है, कि आपको उस्ताद से ज्यादा आता था. मैं कभी कभी बैक में सोचता हूँ, ठीक है, दैट वाज एरोगेंस.
लेकिन ऑन वेरियस ओकेशन मुझे वाकई ज्यादा आता था। तो बंदा क्या करे, बंदा कहता है जल्दी ध्यान दो, पास और डिग्री लो, फिर एजुकेशन तो कहीं और से मिलेगी असल वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें अपनी एजुकेशन को रीलुक करना चाहिए, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल एक्शन प्लान एक चीज़ आई थी, ठीक है ना, क्या हुआ उसके उसके अंदर यही था ना कि यार थोड़ा बहुत रीलुक हाउ व्हाट वी आर टीचिंग एट स्कूल्स, व्हाट वी आर टेलिंग पीपल थ्रू अ मीडिया, रीलुक एट इट, सब बैठ के मिलो और हम इसको देखते हैं, ख़त्म हो गई बात। Nobody cared about it. We went back to the tried and tested things. कि नहीं जी सबको रखो रखो कि हम एक हैं और हम एक इस्लाम है और एक ये, यार एक नहीं होता कुछ। देर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड, रीजन इन द वर्ल्ड, अगर आप कंट्री भी नहीं कहना चाहते, जहाँ एक ही किस्म के लोग हों। Tell me some good things about this country, which may be unique or which may not be unique, that you sometimes feel or observe and say, यार क्या बात। देखिए यार, देखो पोटेंशियल तो हर जगह नज़र आता है, चाहे वो उसके स्पोर्ट्स हो, चाहे उसका कल्चर हो। मैं तो कहता हूँ जस्ट द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव, ऑफ कोर्स इंडिया हैज इट टू, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव, वी कैन डू सो मच विद इट, यू नो, कल्चर लेवल पे वी कैन अट्रैक्ट सो मेनी पीपल टू इट, ठीक है ना। हमें जो हमारे यहाँ चीज़ें होती हैं, जो हमारे यहाँ टॉपिक्स हैं, जो हमारे यहाँ एवरीडे लाइफ होती है, तो हमारे यहाँ लाइफ, जो हमारी नीड्स और झुकते हैं, झुकते, ठीक है ना, what if we start converting them into some kind of research, films and stuff like that. अब आप देखें ना, हमारे ड्रामे और मूवीज देखें, इन टॉपिक्स पे नहीं बन रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते बनाने। फिर हम बाहर की देखकर बड़ा खुश होते हैं कि वो यार उसने फ्लांट पे बना दी, ये ब्लैक लाइव्स मैटर पे बना एक फिल्म बना दी, जो अपने कल्चर पे जो एवरीडे हो रहा होता है, ताकि लोग रिलेट कर सकें उसके साथ। तो ऐसा तो बहुत कल्चर नज़र आता है आपको यहाँ। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ हमेशा पाकिस्तान की लगती है, एंड कमिंग फ्रॉम कराची विद इट सेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो बंदा कहते हैं वाई कांट वी सेलिब्रेट दिस, हमें इस चीज़ से डाइवर्सिटी डरते क्यों हैं, हमें क्यों बोला जाता है सर डरो। अभी भी मैं एक कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, जब अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 12 अपार्टमेंट्स हैं, एंड बिलीव इट नॉट 12 डिफरेंट किस्म की फैमिलीज रहती हैं, सिंधी भी रहता है, वो रहता है, ठीक है ना। तो अभी भी जब कमेटी मीटिंग शीटिंग होती है, तो फलां कहता है कि अच्छा कुछ मजा नहीं आता, वो सिंधी है ना, सिंधी, यानी दिमाग में आपको सिंधी कह के ये कह रहा है कि लेजी है। ठीक है, आई एम श्योर जब मैं नहीं होता हूँ तो वो कहता होगा ये हाइब्रिड है, आधा पंजाबी आधा उर्दू स्पीकिंग है ना, ये जरा अंग्रेजी दान है जी। तो व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट, व्हाई मॉक इट, बिकॉज जो अंग्रेजों ने हमारे लिए स्टेरियोटाइप्स बना दिए थे ना, हमने वो अडॉप्ट कर लिए हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जो पंजाबी है जी जज्बाती है, मिलिट्री है, पठान है जो बिल्कुल ही खतरनाक है, ठीक है ना, ये गोरों के स्टेरियोटाइप्स हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इनको, हम सेलिब्रेट कर। बट द थिंग इज आई थिंक द डाइवर्सिटी बिट इज वन थिंग विच वी कैन टर्न इट इंटू अ पावर, समथिंग विच कैन एम्पावर अस पोलिटिकली कल्चरली एंड। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है हमारी कंट्री की, और मैं हमेशा लमेंट करता रहता हूँ कि यार हम पिछले 25 ईयर से डाइवर्सिटी से डरते आ रहे हैं, हम कुछ करने दबाने की कोशिश करते हैं, वो और डाइवर्स हो जाती है। तो यार एक्सेप्ट करो उसको और उसको अपने फायदे के लिए यूज़ करो। What would you say? It sounds cliched, but I'll try and make it sound less cliched. वो जो नौजवान है, और नौजवान से मुराद सिर्फ वो नहीं जो 18-20-22 साल का है, नौजवान से मुराद वो है समवन हु स्टिल हैज फायर पावर। व्हाट टू से टू दोस पीपल वेयर दे सी ए डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट, दे सी एट टाइम्स अ वेरी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट एंड येट इट इज सो हॉस्पिटेबल, एंड दे सी ए सोसाइटी वेयर देयर इज नो मेरिट एंड देन देयर इज आल्सो मेरिट एट टाइम्स, एंड देन दे सी कि कोई बात किस दादी ने सुनाई है बड़े मजे की है, कोई लतीफा दोस्त ने सुनाया बड़ा मजे का है, फिर टीचर ने कोई बड़ी फजूल बात की है और उसने नंबर काट लिए क्योंकि उसको मेरी फजूल पसंद नहीं आई थी, एंड ही और शी दे आर कंफ्यूज्ड, अरे ये व्हाट द हेल मैन, ये सीधा क्यों नहीं है सारा कुछ, ये इतना ये व्हाई इज इट अ लैबिरिंथ, अरे यार अमरीका चलते हैं, मिट्टी डालो इसके ऊपर, आराम से लीज कराएंगे घर, गाड़ी लीज कराएंगे, 30 साल में पे करेंगे, ठक 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 ठक, 1 2 3 4, व्हाई लिव इन सच अ कॉम्प्लेक्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू से टू दोस यंग पीपल? Well, first of all, I think contradictions जो होती हैं, like तुमने जो बात की, हम बहुत contradictory environment में रहते हैं, we are not the only society in contradictions, पर हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा glaring हो जाती है।
कि बंदा एक ब्रेथ में ऐसे ऐसी चीज सब चीजों कह जाता है जिसके अंदर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन की भी अपना एक पावर है, कॉन्ट्रडिक्शन का भी एक मजा है। दैट मीन्स कि आप चलें सोच तो रहे हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर कोई बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी, ठीक है, देन यू वोंट लर्न एनीथिंग। देन फिर आप किसी हायर प्लेन में ऑलरेडी पहुंच गए, तो आप निर्वाण में पहुंच, हाँ हाँ वो होता नहीं है। तो आई थिंक दिस टेक इट एज एडवेंचर, द वे यू हैव टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दिस कंट्री। मैं तो पर्सनली यही करता हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग इट एज एन एडवेंचर वन डे एट अ टाइम, ठीक है, एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट बिकॉज व्हाइल यू आर नेविगेटिंग दिस कॉम्प्लेक्सिटीज एवरी मोमेंट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड यू आर बिकमिंग वाइजर। तो मैं तो यही कहूंगा, टेक इट एज एन एडवेंचर या एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। व्हाट और हु इंस्पायर्स यू और ड्राइव्स यू टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड डू द थिंग दैट यू डू? टू टेल यू द ट्रूथ, especially in the last 10 years, my nephew and my niece. That's very interesting. And I'm noticing that I have a feeling that the new generation that's coming out, who are now 10 or 11 years old or younger, yeah, unke andar kuch difference mujhe nazar aa raha hai. Okay. These kids are, mujhe laga ke they're definitely far more informed than our generation, generations before they were, but they seem more courteous. Theek hai, unko kahin kahin unko dikhaya jata ke ji bahut spoiled, no. They are coming across so much information where they're seeing कि हाँ जी ये अच्छाई है और ये बुराई है. They are seeing the grey areas which we weren't seen. हमें तो good and evil पढ़ाया गया था ना. Absolutely. This generation is seeing what lies between them. So I wake up just to see them grow into becoming that. Any one or two or three people, whoever they might be, who have inspired you or continue to inspire you in whatever way. Like I said, KK Aziz and Mubarak Ali to shuru se hota hai, every young man karta hai. Then Aisha Jalal hain, Akbar Azedi hain, Ali Usman Kasmi hain, kuch gore bhi hain, theek hai na? And these are the people, they inspire me because I learn so much. Dr. Waseem hain, Muhammad Waseem, jinke bhi recent kitab bhi aayi thi. These are people because sabse zyada main how to apply, उनकी बड़ी एकेडमिक किताबें होती हैं, बट दे स्पार्क सर्टन थिंग्स इन मी व्हिच आई स्टार्ट व्हिच मेक हेल्प मी अंडरस्टैंड जिन कॉम्प्लेक्सिटीज की हम बात कर रहे थे। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दीज कॉम्प्लेक्सिटीज और ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो दैट एडवेंचर बिकम्स इवन मोर एंजॉयबल। अच्छा ये इसलिए होता था, ये बंप इसलिए है, इस बंदे ने ये क्यों किया। सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल। देयर आर मेनी अदर्स आई एम श्योर आई मिस्ड अ लॉट मेनी, बट ये हैं मेरे लिए लोग जिनको मैं टीचर्स मानता हूँ। इनमें से इंटरेस्टिंगली मुझसे यंगर भी हैं लोग, बट आई स्टिल ट्रीट देम एज माय टीचर। एनीथिंग दैट यू वांट टू से टू सम पीपल हु आर डिसिल्यूजन्ड इन दिस कंट्री? आई थिंक बेसिकली एंड दे माइट नॉट लाइक इट, आई थिंक दे बीइंग लेजी। वाओ, दे बीइंग लेजी। It's देखिए ना, जब डिसिल्यूजन आप हैं इस कंडीशन में ना, बैठ गए, यही मतलब है ना कि मैं बैठ गया कुछ नहीं, यू बीइंग लेजी। If you're disillusioned, to do something about it, na? Kuch kar de na, phir khade ho jaye. We've all gone through those stages. Disillusioned, angry, I want to leave Pakistan. Main bahar rehna chahta hu. Meri thought ki koi izzat hi nahi hai yahan. Yahan main kuch bolun to maar denge mujhe. Lekin disillusioned baithe hai na phir aap, theek hai na? I think it is intellectual laziness, emotional laziness, and basically lazy becomes a rational. You start in a way rationalizing your own incompetencies maybe, जो आपने खुद develop कर ली हैं, आपके अंदर नहीं है, आपने खुद कर ली हैं। So I would call it laziness. See, to get up from the fence, you know, and start move, and see what they can do about it. I'm not saying कि आप एक perpetual state of happiness में आ जाएंगे, but वो ही ज़िंदगी है यार। Get to work, you lazy people. Those of you who are lazy, who are disillusioned, get to work. What a great word. Intellectual laziness and emotional laziness. That's a great term. Nadeem Farooq Paracha, thank you so much for your time. You're welcome. Thank you so much for your insightful ideas. Thank you. Thank you. Bum, 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 bum